हेलो, आई एम विकट खान. मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी. आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया. एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी. प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 ग्राम्स की मेरी बेबी थी, 27 वीक्स की. तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर. उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम. सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम. मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स. थाने मनपा के सहायक आयुक्त महेश आहिर की NCP कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई कर दी है. आपको बता दें कि मनपा मुख्यालय के पार्किंग एरिया में ये मारपीट की गई है. राष्ट्रवादी पार्टी के नेता जितेंद्र अवहाड और उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसकी ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई थी. मगर अब ऐसे में मनपा अधिकारी महेश आहिर पर हमला हुआ है. ये हमला NCP के कार्यकर्ताओं ने किया है. हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह से महेश आहिर को बचाया, मगर महेश आहिर को काफ़ी चोट लगी है. नौपाड़ा पुलिस ने महेश आहिर को सुरक्षा प्रदान कर उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया है. वहीं इस मारपीट को लेकर NCP के विधायक जितेंद्र अवहाड ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि ये मारपीट किसने की मुझे नहीं मालूम है. इसके अलावा और भी क्या कुछ विधायक जितेंद्र अवहाड ने कहा है आपको सुनाते हैं. किसने पीटा ये मुझे मालूम नहीं, मारा मारी हुई ये भी मुझे मालूम नहीं है. पर एक बात जो TV पे देखी मेरे बारे में, मेरे कुटुंबियों के बारे में, जो मुझे भी सुनाई दिया था कि मेरे बेटी को स्पेन में मारेंगे, उसके लिए बाबाजी नाम के कोई आदमी के शूटर रहेंगे, मेरे जवाई को मारेंगे. और यानी एकदम वो डॉन के जैसा बात कर रहा है कि मेरे लिए बाबाजी कुछ भी कर सकते हैं. मैं 40 लाख रुपया कमाता हूँ दिन का, 20 लाख रुपया बांटता हूँ, ऐसी ऐसी बातें हो रही है. 40 लाख रुपया अभी ये 40 लाख रुपया म्यूनसिपल्टी में एक अधिकारी कमाता है, तो उसको आयुक्त ने देखना चाहिए, मैं क्या देखूँगा. बाबा जी नाम काफी चल रहा है, कौन है आखिर बाबा जी? मेरे ख्याल से एक अंडरवर्ल्ड में बाबा जी सुभाष सिंह ठाकुर को कहा जाता है. महापालिका अधिकारियों के इस प्रकार से अंडरवर्ल्ड से संबंध दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? उसके संबंध थे और उसको बहुत गर्व लगता था कि मेरे संबंध उनसे है. राजनीति का माहौल अभी जब तक आ रहा है, वो चलो राजनीति भी इतनी छोड़ दो.